अभी चार दांत कर रहा है क्या? तीसरे नंबर पे था ये खूबसूरती में, उज्जवल भौरी भी। अच्छा अच्छा, उज्जवल भौरी बड़ा देव मन है, 10-1 इंच। नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स। दोस्तों आज हम आए हैं मालेगांव से, हमारे मालेगांव से एक 7-8 किलोमीटर दाभाड़ी बोल के गाँव है, वहाँ पे हम आए हैं इस घोड़े की शूटिंग निकालने के लिए। और सामने जो घोड़ा है ये है नुकरा, और इसकी ब्लड लाइन क्या है क्या नहीं और ये क्या उम्र का है इसके बारे में सब हम जानेंगे उनके ऑनर हमारे रवि भाई जो अभी सामने दिख रहे हैं, तो उनसे जानेंगे। रवि भैया नमस्ते। नमस्कार। आपका ये लोकेशन कहाँ आता है, यानी कौन से एरिया में आता है? हाँ, ये नासिक जिला, नासिक में अपने मालेगांव तालुका है। हाँ हाँ, मालेगांव तालुक्यात दाभाड़ी। हाँ, गाँव है, दाभाड़ी गाँव में आता है क्या? हो। अच्छा, तो आप किसान हो क्या? हो, किसान। अच्छा अच्छा, ये सारी जमीन आपकी है क्या? हो, सारी जमीन। ओके ओके, तो ये जो स्टेलियन खड़ा है नुकरा, इसका नाम क्या है? इसका नाम राजवीर है। राजवीर। हो। ये क्या उम्र वगैरह का है? अभी ये 4 साल 3 महीने का हुआ। 4 साल 3 महीने का, यानी 48 और 3 और 4 दांत में आ गया हो। अभी 4 दांत कर रहा है क्या? यानी सूले निकाल दिया अभी। अच्छा ओके, अभी अभी करण में निकाला है क्या? अभी करण में निकाला है। ओके ओके, तो अभी इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट अभी 66 इंच भरती है। अभी 66 प्लस है क्या? 66 प्लस है, ज्यादा ही है ना? हो, ज्यादा ही। ओके ओके, तो ये अभी मैंने सुना था, यानी पिछले हमने सारंगखेड़ा में 2020 के जब मेला हुआ था लास्ट में, तब उसकी हमने शूटिंग भी निकाली थी, वो काफ़ी लोगों ने भी देखी, लेकिन आज डिटेल शूटिंग निकालने के लिए हम आए थे। तो तब के वक्त में जो लास्ट में जो मेला हुआ था, तब इसने कौन से कैटेगरी में नंबर लिया था? ये नुकरा में, यानी एक तीसरा क्रमांक घेतला, यानी ओके, म्हणजे नुकरा कैटेगरी में तीसरे नंबर पे था ये खूबसूरती में। अच्छा अच्छा, तब क्या इनाम वगैरह मिला था आपको इस घोड़े के? माला तेव्हा 51,000 रुपये इनाम भेटला होता। अच्छा, और अजून काही ट्रॉफी आहे, काही प्रमाणपत्र भेटलेले आहेत। ओके, मैं सबको बोल दूं वीडियो के मार्फत से, इनके थोड़ा सा हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। इनका ऐसा कहना है कि ये नुकरा कैटेगरी में तीसरे नंबर पोजिशन में ब्यूटी में आया था, तब इनको 51,000 रुपये का वहाँ पे एक इनाम भी मिला था। तो और अभी इससे मीटिंग वगैरह आपने चालू कर दी क्या घोड़े की? एक बार किया है। एक बार किया है, तो अभी इसका रिजल्ट कहाँ पे है? मिल गया, औरंगाबाद में है। हाँ हाँ, मालेगांव में था एक। अच्छा, वो उसने घोड़ी बेच दी वो। अच्छा, अपने मालेगांव में घोड़ी थी, इससे मीटिंग हुई थी। हो, मीटिंग हुई थी। ओके, उसने वो बेच दी। अच्छा अच्छा, उसने अभी उसकी सरी का ही एक बच्चे को जन्म दिया। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब कब लास्ट कब हुई थी आपने? अभी वो बच्चा कितने साल का हो सकता है? वो बच्चा यानी एक साल का हो गया, आगे पिछले साल में आपने पिछले साल में। तो अभी बहुत से आपके पास में मीटिंग करने के लिए आती है क्या घोड़ी अभी? तो नहीं नहीं, क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों हमारा जो एरिया है मालेगांव, तो इस मालेगांव एरिया में शादी ब्याह के घोड़े ज्यादा, यहाँ पे फार्म्स वगैरह कुछ नहीं है, घोड़िया तो बिल्कुल नहीं है,
इसलिए इसके पास में ज़्यादा घोड़ियाँ मीट करने के आती नहीं है। लेकिन हम वीडियो के मार्फत से अभी ये भी डाल देंगे कि भैया से पूछ लेंगे, तो रवि दादा जैसा कोई घोड़ी बाहर से आएंगे अपने आजू बाजू के, इसमें तो आप मीटिंग करवा सकते हैं क्या? हो करवा सकते हैं। तो आपके क्या मीटिंग की कुछ फी वगैरह डिसाइड की है क्या? रखेंगे, अभी मैंने अभी सोचा नहीं हो। अच्छा, पर जब देखेंगे हाँ क्या चालू है क्या नहीं। वो सबसे खूबसूरती में यानी ये जगह पे वो आज बहुत हाइट में बहुत है। बराबर बराबर, मैं तो बोलता हूँ कि नासिक जिले में इससे हाइटेड कोई घोड़ा नहीं होगा। उस पे उज्जवल भौरी भी है। अच्छा अच्छा, उज्जवल भौरी, ये जो कि बहुत कम घोड़ों में, बोले हजार घोड़ों में एक आधी क्या होती है। हमारे यहाँ बाजू में भुजबल फॉर्म है। हाँ हाँ हाँ, उसने अभी ये जो आर्मस्ट्रांग कंपनी हमारे बाजू में लिए ले बाजू में। हाँ हाँ बराबर, हाँ वो भी आए, वो भी देख के गए। अच्छा, वो डिमांड उस पे जो बोले कि वो साहब आए थे समीर दादा भुजबल। हाँ हाँ हाँ, यानी उस पे तुम्हारे तरफ आए वो घोड़ा देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, उसका भी नाम चालू हो गया और मेरा भी नाम चालू है। मैं एक छोटा सा शेतकरी हूँ। बराबर, किसान हूँ छोटा। बराबर, पर उसके वास्ते मेरा भी बहुत नाम चालू है। बराबर, ये घोड़े का भी बहुत, यानी घोड़े के वजह से आपका नाम काफी चला गया। और जो हमारे मतलब अभी मंत्री साहब है छगन राव जी, श्री छगन राव जी भुजबल, उनके लड़के जो समीर जी भुजबल, वो आपके पास में आए थे, आपने स्टेटस में फोटो वगैरह भी रखा था, तो उनको क्या घोड़ा वगैरह पसंद आ गया था? घोड़ा वगैरह सब पसंद आ जाए उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ बात भी चल रही है क्या? बात भी चले, अभी मेरे लड़के की ऐसे ध्यान हो गए। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, ओके ओके। तो जैसा अभी सब बहुत लोग, बहुत कम लोगों को या नए लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा भुजबल भौरी कहाँ पे होती है। तो हम भुजबल भौरी देखेंगे, इसकी भुजबल भौरी कहाँ पे आती है वो बताओ। ये जो उज्जवल पाव है। हाँ हाँ, यानी वो राइट हैंड, राइट लेग, राइट हैंड। हाँ, यहाँ पे उसको एक भौरी है। हाँ हाँ, ये वाली देख लो। हाँ हाँ, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे है ये भुजबल भौरी, जो के राइट लेग को, यानी हमारे जो राइट लेग रहता है घोड़े का, तो उस पर ये भौरी आती है। और ये भौरी बहुत कम कम घोड़ों में आती है, और ये काफी यानी बहुत कम घोड़ों को भी आती है, और ये काफी मतलब शुभ मानी गई है। तो और इसका कुछ और बाल, बाकी बाल भौरी कैसी इसकी? उसके अभी कंटा है, देवमन है। अच्छा, देवमन भी है ना? देवमन है ये जाके उसका, ओके, देवमन बड़ा देवमन है, 10-1 इंच का देवमन। मोर पंखी को जो क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, पंखी देवमन है, पंखी देवमन भी है। ओके, कंठ भी है ना? कंठ भी है, कंठ भी काफी बड़ा है इसको। अभी उसको, अभी उसको मुंह नहीं खोलेगा वो। हाँ हाँ हाँ, पिंड जो बोलते है। हाँ हाँ, मुंह के अंदर। हाँ हाँ, वो इसको है। मतलब क्या रहता है वो? अभी जो अपन हमारे कुछ देवत में कैसे रहता है, पिंड महादेव की। हाँ, महादेव की पिंड। हाँ, वो पिंड उसके मुंह में के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खोलेगा नहीं। अच्छा, बस इसकी देखो, ये जो पिंड का, जो पिंड का आकार है यानी मुंह में है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी भौरी है। हाँ हाँ, उसके दोनों सिर के अंदर ही। बराबर बराबर, अपने दोनों आंखों के बीच में और ऊपर है। ऊपर है। हाँ बराबर बराबर बराबर, जो ऊपर की जो कंठ पिंड है वो सब बराबर है। बराबर, अपने कान के पीछे की भौरी। उसको मेरे को मंगा भी रहता है गुजरात राजस्थान में। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त है। हाँ हाँ, वो बोल रहा मेरे फॉर्म पे घोड़ा दो। हाँ हाँ हाँ, पर मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, तो जैसा आपके आपके पास में जैसे वो भुजबल साहब भी आए थे या अन्य कोई भी आ रहे, तो जैसा आपका मन है क्या भाई, बेच सकते हैं? लेकिन सकते। लेकिन आपकी क्या कीमत या क्या डिमांड है? सारंगखेड़े में हमने 51 लाख रुपए रखी थी। हाँ हाँ हाँ, और उधर 25-26 लाख में मंग गए थे लोग। अच्छा अच्छा, मैंने वो तब टाइम को मैंने देने को नहीं रोका था। अच्छा अच्छा, अभी ऐसे कैसा है, आएगा तो देंगे। अच्छा अच्छा, तो आपकी डिमांड एक ऐसी, एक आपके दिमाग में होंगी कि हम ये कीमत में देंगे? अभी जो टाइम को मांग गए पिछले साल को। हाँ हाँ, 26 लाख को मांगे थे। हाँ हाँ, और अभी जो देना है तो वो सामने आमने बैठक में होंगे, बैठक में कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यानी आप अगर आपको अच्छी कीमत आई तो ही आप बेचेंगे, नहीं तो अपने घर पे नहीं बेचेंगे। ठीक है, यानी इतने इसमें काफी खूबियां भी है, इसकी बाल भौरी भी काफी अन्य घोड़े से अलग भी है, जैसे आप बता रहे हैं। हाइट भी बहुत है और हाइट भी 66+ है ऐसे, उसमें नाम नहीं, वो सब काम करता है। बराबर, काम करता है और बारात का क्लियर है। अच्छा, सिर्फ भाई ने वो जो गाड़ी रथ बोलते है। हाँ हाँ हाँ, उस पे जोड़ेल नहीं है। अच्छा, बग्गी को नहीं जोड़ा, बग्गी को जोड़ेल नहीं है, और वो ऐसा उसको जो काम नहीं आता। हाँ हाँ, चाल भी चलता है, 25-30 चाल चलता है। अच्छा अच्छा, अपन ज्यादा नहीं बोलते, उसकी चाल है।
वही बताएंगे। उसमें आड़ी खड़ी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा सीधा चाले। सीधा चाले। आड़ी नहीं करते घोड़ा। वो घोड़ी पे तुम ऐसा उतार लो ऐसा चालने को बोलो तरी वो चलेगा। बराबर बराबर भाई साहब। उसमें आड़ी खड़ी कुछ नहीं। अभी लड़की भी मेरी छोटी लड़की है। हाँ हाँ हाँ। उसको भी बोल दिया बेटा उसके मुंह में हाथ घाल दे वो भी घाल सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बराबर बराबर। उसको मैंने जिधर जिधर गया उधर मेरे पीछे पीछे आता है। अच्छा अच्छा। बोला उसका नाम बोला सीधा है स्वभाव से भी काफी अच्छा। स्वभाव से सीधा है। बराबर बराबर। चलो बहुत बढ़िया। और बाकी अभी शादी ब्याह में भी बहुत कम चलते होंगे आपके? नहीं बहुत चलते हैं। चलते हैं या गांव पे बाजू बाजू में घोड़ा ही नहीं। अच्छा एक ही घोड़ा है। और इसकी खूबसूरती देख के ही आप मतलब वो तो लोग आते होंगे। 6,000-7,000 में मैं एक शादी की सुपारी लेते हैं। वो काम के लड़के है वो लेके जाते हैं 5,000-6,000 में मैं उसको देता हूँ। अच्छा तो अभी इस सीजन में भी ऑर्डर में है क्या? वो भी ऑर्डर में अभी भी मेरे को 4-5-10 तार का है अभी। अभी चलो बहुत बढ़िया है। बाकी और तो सब हमने इसकी शूटिंग तो ले ही थी सारंगखेड़ा में भी बस। और अभी अभी अगला शो अभी अगर आएगा समझो अभी सारंगखेड़ा में चल रहा है बात की शो होने वाला है या मेला लगने वाला है लेके जाऊंगा तो फिर से लगाएंगे क्या? वो लगाएंगे। ओके ओके चलो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अगले शो में और नाम करें और अपने मालेगांव का नाम करें। यही हम शुभकामनाएं आपको करते हैं।